सीएम योगी के अस्पतालों का है ये हाल। गरीब मरीजों को होना पड़ रहा परेशान। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पांडेपुर में जिला मुख्यालय से लगभग 335 किलोमीटर दूर से आए उमेश शर्मा, जो कि मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। उमेश शर्मा अपने भाई राजेश शर्मा को दिखाने पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में आए। वहां 224 नंबर डॉक्टर प्रमोद कुमार के पास गया और उनको दिखाया। राजेश शर्मा के पेट में पानी भर गया था, इन्फेक्शन था, उसी के इलाज के लिए आए थे। कुछ दवाएं अंदर से लिखी गई पर ज्यादातर दवाएं शर्मा मेडिकल हॉल से लेने को भेज दिया गया। गरीब आदमी 510 रुपए की दवाएं लेकर आया और जब सवाल किया गया डॉक्टर से तो डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि इसका इलाज मैं कर रहा हूं और यह मेरे किसी जानने वाले के रेफरेंस से आया है, इसलिए मैंने बाहर की दवाएं लिखी हैं क्योंकि यह दवाएं उपलब्ध नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि बाहर की दवाएं ना लिखी जाएं, यहां सारी दवाएं उपलब्ध हैं, तो फिर मरीजों को बाहर की दवाएं क्यों लिखी जा रही है। इसकी शिकायत एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ से भी की गई लेकिन वह शहर में मौजूद नहीं। वाराणसी से पीएलएल न्यूज के लिए आरिफ अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम, जिसको दवा लिए उसका नाम? अपना नाम बताइए। उमेश। किसको दवा दिलाने आए थे? राजेश शर्मा को। अच्छा, किस डॉक्टर को दिखाने आए थे और क्या बीमारी थी? 224 नंबर पर बैठे हैं। कौन डॉक्टर का नाम क्या? नाम प्रमोद। 24 में ये ले लीजिए। उसमें दवाएं आपको मिल गई से? सारी जो लिखे हैं यहाँ से ले लिए और बाहर से लिखे तो बाहर से ले लिए। बाहर से लिखे दवा? क्या बोला कि बाहर से ले लीजिए? कौन बोला डॉक्टर? कौन सा जैसे दवा की पर्ची दिख रही, कौन सी दवा ली है आप? यही है। ये सारी दवाएं आपने बाहर से ली है? कितने पैसे का लिया है? 500 रुपये का। 500 रुपये? 700 का इसमें है लेकिन मेरे पास 500 रुपये था, लिया हमने 700 कम करवा दिया। पर्ची दिखाई हो जो दवा लिखे थे? यही है ना। ये वो पर्ची है जिसपे ये दवाओं का मकड़जाल खेल रहे हैं और सामने में दवाएं वो लिखी जाती है जो यहाँ से मिलती है और पीछे से वो महंगी दवाएं लिखी जाती हैं। इन्होंने अभी दवाई जो ली है तकरीबन 700 की दवाएं थी और कुछ पैसा ना होने की वजह से इन्होंने दवा नहीं ली तो 510 रुपये की दवाएँ ली हैं, जबकि बड़े बड़े बोर्ड में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि यहाँ से बाहर की दवाएं ना लिखी जाती है ना आपको लेना है। उसके बावजूद तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की बंदिशें होने के बावजूद खुलेआम ये चल रहा है। हम लोग न्यूज चैनल से। कौन चैनल फैनल से हो हमें बताइए, आप कौन है? अगर कोई पोर्टल हाइपरटेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन डाइटार नहीं लिखना चाहिए, अपराध है। उसके कितने पास पैसा है? डबल स्वेटर पहन के इतना सेंस नहीं है कि इस जाड़े में डबल नहीं पहनना है। डाइटार है, सिप्लार है, दिक्कत क्या है? पोर्टल हाइपरटेंशन है, पेट में पानी भरा हुआ है। एडमिट कराना होगा क्या करना? नहीं, जरूरत नहीं, हम कर लेंगे खुद ही। क्या बोल रहे तुमसे? क्या बोल रहे इनको बताओ, क्या बोल रहे? मैंने वही बोले जो दवाई कह के 10 दिन बाद पानी निकाले, फुल जांच कराए, ठीक है? 3-4 हजार का जांच है, सरकार फ्री करा होता हो जाए, ठीक है? और कोनो परेशानी तो हो नहीं, ठीक है? नहीं नहीं, अब तो क्या दवाई वापस करे क्यों? वापस कर दो। नहीं, ये दवाई आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, मजाक थोड़ी चल रहा है भाई, उतने गरीब आदमी। नहीं, हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी मजाक नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी मजाक करने वाले नहीं, हम लोग कॉमेडियन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्सीडेंटली ये मिल गए? नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने पीछे बैठे, हम लोग भी अपने पीछे। हमको ये देखना है कि ये गरीब आदमी है, अगर दवाएं अवेलेबल हो तो इसको दवाएं यहीं से मिले। नहीं नहीं, और वो डंपी है हमारे, बहुत खास है। नहीं, इसने बताया, अगर नहीं भाई जान रहा तो हम उसको दे भी सकते हैं अपने पैसे से, मगर इतना तो करेंगे नहीं, सब कोई नहीं, उसको चलना नहीं, चलिए ठीक। तो आवा आप तरफ, ठीक है, मत बताना। अगर ना रही कब वो तो डंपी के नाम में लिख लो, बताई बात तो कुल काम हुई ना हुई तो। नहीं तो सर को मैं बताया, क्या बताया इन्होंने कि हमारे जानने वाले? अच्छा, ये आप जानने वाले हैं? नहीं नहीं, डंपी इनके जानने वाले, हमारा जानने वाला तो सब है, आप हैं, सारे लोग हैं, जिसको दिक्कत है सब है। मैंने बताया कि डंपी सर हमको यहाँ भेजे हैं। ठीक है, ठीक है।